बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मूरत टीवी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मूरत टीवी का वीएन क्या है, आज उसी वीएन को मद्देनज़र रखते हुए उस वीएन को अमली जामा पहनाने के लिए आज एक बार फिर हम हाज़िर हुए हैं। इसको तो आप जानते होंगे, नाज़ली शाह। हमारे लास्ट प्रोग्राम ने नाज़ली की माशाल्लाह से इनके ट्रीटमेंट का हमने किया था, अब इनका ट्रीटमेंट हो गया है, पहले से काफ़ी बेहतर हैं। लास्ट वाले प्रोग्राम में इन्होंने हमारे से रिक्वेस्ट की थी कि अब मैं ठीक हो चुकी हूँ और अब मैं कोई काम करना चाहती हूँ जिससे मेरा अपना सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो सके। सो उसी रिक्वेस्ट पे अमल करते हुए आज हम आए हैं नाज़ली के साथ। ये तो इन्होंने मुझसे यही रिक्वेस्ट की थी, जबकि हमने पूछा भी था कि मैं कोई लेडीज़ से रिलेटेड कोई काम करना चाहती हूँ, लाइक मेकअप का या कोई बैग्स का। तो आज हम आए हैं एक कॉस्मेटिक्स शॉप पे, ये एक होलसेल शॉप है, मार्केट में हम मौजूद हैं और यहाँ से हम शॉपिंग करेंगे और नाज़ली के नए कारोबार की इब्तदा करेंगे। जी नाज़ली, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ और बहुत खुश भी हूँ, और आज मेरा ख्वाब जो है वो पूरा हो गया है। इंशाल्लाह जो है वो मैं अब काम करूँगी। आप कैसी, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आप क्या फील कर रही हैं इस वक्त? आपने जो हमसे रिक्वेस्ट की थी, हमारे नाज़रीन से रिक्वेस्ट की थी, तो आप आज यहाँ पर उसको अमली जामा पहनाने के लिए आई हैं हमारे साथ, तो आप थोड़ा सा एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स को। जी मैं बहुत खुश हूँ, और सेकेंडली मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया और मैं आज। अच्छा, मैं एक चीज़ की वजाहत करना चाहूँगी कि आपकी हुमा जो है बाजी, हमारी सिस्टर है, मेरी वो सिस्टर भी हैं, फ्रेंड भी हैं, अल्लाह उनका भला करे। आज मैं ये चीज़ अनाउंस करना चाहूँगी, आज से पहले कभी नहीं की, कि आपकी जो हेल्प है वो आपकी हुमा, उन्होंने की है और उनके दोस्तों ने मिलके की है, उनके कंट्रीब्यूशन से आपकी हेल्प हुई है। उन्हीं के कंट्रीब्यूशन से ज़ारा को हमने ज्वेलरी का कारोबार करवा के दिया था, और माशाल्लाह वो अपना बहुत अच्छा सिस्टम चला रही हैं, कमा रही हैं, खा रही हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी, अल्लाह पाक आपको इस नए कारोबार में रिजक रोज़ी दे, तरक्की दे, और आप, मैं चाहूँगी कि आप ये हुमा को ज़रूर खराज तहसीन पेश करें। जी मैं वजी हुमा आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और मैं आपके लिए दुआ करूँ, अल्लाह आपके तमाम बिगड़े हुए मसलों को हल करे, अपनी आसानियाँ पैदा करे, और आप यूँ ही इंसानियत की खिदमत करती रहें। आमीन, थैंक यू सो मच। अब हम शॉपिंग करने लगे हैं, और शॉपिंग के बाद हम जाएंगे नाज़ली के सेट पे, सेट पे नहीं, इनके उस सेटअप पे जो इन्होंने लगाया है। अब यहाँ से हम जाएंगे नाज़ली के घर पे और इनका सेटअप देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद नाज़ली के घर, नाज़ली के सेट पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मूरत टीवी। तो नाज़रीन, हम अपने सेट पे वापस आ गए हैं, मतलब आज हमारा सेट नहीं, आज ये नाज़ली का सेटअप है, और नाज़ली के सेटअप पे हम वापस आए हैं, जो इन्होंने प्यारा सा छोटा सा एक सेटअप तैयार किया है अपने जितना। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आई एम सो एक्साइटेड टुडे ये जान के। और पहले आपने देखा हम लोग शॉपिंग पे गए, हमने शॉपिंग की, हमने मेकअप का सामान खरीदा, और फिर हमने वापस घर आके मैंने एक दूसरे की हेल्प से हमने ये सारी सेटिंग की। तो अब हम नाज़ली से उनका व्यूज़ लेना चाहेंगे। उसकी वजह ये कि नाज़ली ने अपने लास्ट प्रोग्राम में हमसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं आपके, अब मेरी बस एक छोटी सी ख्वाहिश बाकी है कि मैं अपना कोई काम, अपना कोई बाइज्जत रोज़गार कमाना चाहती हूँ। तो अब माशाल्लाह से आज उनका एक छोटा सा सेटअप उन्होंने बनाया है, हम इनके पास हैं। अब पूछेंगे नाज़ली से कि नाज़ली की क्या फीलिंग्स हैं, क्या एक्सप्रेशंस हैं, और ये कैसा पा रही हैं आज, आज का दिन। जी नाज़ली बताएं। बहुत अच्छा जो है वो दिन है, आज खुशी का दिन है, मैं खुद मुख्तार हो गई हूँ और सेल्फ डिपेंडेंट हो गई हूँ, अब मुझे कोई नेगेटिव एक्टिविटी नहीं करनी पड़ेगी, किसी से मुझे मांगना नहीं पड़ेगा। और सुनिए जी, मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपने जो है वो मुझे एम्पावर्ड किया, और ख़ास तौर पे
माँ पी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तहे दिल से आपकी मशहूर हूँ, आपकी आपके लिए दुआगो हूँ, अल्लाह पाक आपको बिल्कुल। मैं भी इस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि लास्ट टाइम जो ज़ारा का ज्वेलरी का हमने कारोबार शुरू किया था वो भी हमारी बहन ने, हमारी सिस्टर हैं आपकी हुमा, उन्होंने स्टार्ट करवाया, और इस दफ़ा इसका जो नाजली का जो कारोबार है, छोटा सा सेटअप है, इसमें भी हमारे साथ तआवुन किया आपकी हुमा ने। हम अभी हुमा के उनके दोस्तों के बहुत ज़्यादा तह दिल से मशहूर हैं कि वो हमारी कम्युनिटी के बारे में इतना सोचती हैं और इतने अच्छे वो ख्यालात रखती हैं कम्युनिटी के बारे में, और कम्युनिटी को एम्पावर्ड करने में वो तकरीबन एक साल डेढ़ साल से हमारी कम्युनिटी की खिदमत कर रही हैं, और अल्लाह पाक उन्हें जजाए खैर दे, अल्लाह पाक उनके दोनों जहानों की भलाइयाँ और आफियतें उन्हें अता फरमाए, और इसी तरह ही वो दुखी इंसानियत की खिदमत करती रहे। क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये जज्बा जो है ये हर एक में नहीं होता, ये अल्लाह पाक किसी किसी को चुनते हैं जो खुदा की मखलूक के बारे में सोच सकें, फलाह का काम कर सकें, सोशल वेलफेयर का काम कर सकें, ये अल्लाह पाक किसी किसी को नवाजते हैं, ये मैं भी समझती हूँ कि एक इनाम है ये दुनिया में। जी हाँ बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि यहाँ पे हम मजे से चंद लोग ने दुनिया में हैं जिनके पैरों के सदके दुनिया चल रही है, वरना नफसा नफसी का दौर है बहुत, कोई किसी को नहीं, मतलब कि किसी के बारे में नहीं सोचता। तो आप जैसी दर्दे दिल रखने वाले जो शख्सियात हैं तो उनकी वजह से सोसाइटी में जो है वो रिस्पेक्ट के साथ हम लोग, बल्कि मैं तो अपने नाज़रीन से व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे जो मर्द हजरात हैं उनको भी चाहिए कि वो शाना बशाना खड़े हों। अगर एक औरत दुखी इंसानियत की खिदमत कर सकती है तो मर्द क्यों नहीं, तो मर्दों को भी चाहिए कि इस नेक काम में हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें और शाना बशाना खड़े हों। और देखिए हमने एम्पावरमेंट का जो ये सिलसिला शुरू किया है ये इस चेन को कंटिन्यू रखें, क्योंकि अभी सिर्फ नाजली या सिर्फ ज़ारा नहीं है, अभी बहुत सा काम, बहुत सी चीज़ें करना बाकी हैं। अभी बहुत सी ट्रांसजेंडर्स अभी भी मौजूद हैं सड़कों में, जो धिक्के खा रही हैं, जो बैगिंग कर रही हैं, जो सोर्स ऑफ इनकम ना होने की वजह से नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो आप सब लोग तआवुन किया करें। मैं मुखय्यर हजरात से ज़रूर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सिर्फ़ एक बहन क्यों, मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को भी चाहिए कि वो इस काम में भर चढ़ के हिस्सा लें, और जो जितना इजीली कर सके वो अपना अपना हिस्सा डालें, पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती आई हूँ कि मखलूक खुदा की किसी एक इंसान की भलाई गोया की पूरी इंसानियत की भलाई है। किसी एक की भी ज़िंदगी अगर आप लोगों की वजह से संवर जाती है तो न जाने कितने दिलों से आपके लिए दुआएं निकलेंगी। बिल्कुल, पता नहीं कितने लोग उस पर डिपेंडेंट होंगे। हर एक हलाल लुकमा, एक हलाल लुकमा जितने लोग खाएंगे उतने दिलों से वो दुआएं पाएंगे। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप नाज़ली से कांटेक्ट कीजिएगा, और उनके पास आप काम के लिए भी आइएगा, उनसे परचेजिंग करें, उनसे शॉपिंग करें ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज को, फिर मिलेंगे एक नई सरप्राइजिंग और फैंटास्टिक पर्सनैलिटी के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो मोरक टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। मोरक शो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारे ट्रांसजेंडर्स का टैलेंट पसंद आया तो उनकी हॉट और प्रमोशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपनी मेज़बान सोनिया नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।